अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट योर प्लेस। आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको ग्रेड 5 की इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जिसका लेसन नंबर 1 है पेशेंस। इस लेसन की जो आउटकम्स हैं उसमें हम देखते हैं कि क्या कुछ कवर करेंगे। इसमें हम ऑनेस्टी, पेशेंस एंड टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हम साइलेंट लेटर्स, डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ्स के अबाउट भी पढ़ेंगे। डायग्राफ्स क्या होते हैं, ट्राइग्राफ्स क्या होते हैं और इनका साइलेंट लेटर में किस तरह से यूज होता है, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इनके अबाउट पढ़ेंगे। देन हम मूव करेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, इनका क्या डिफरेंस होता है, इसके अबाउट पढ़ेंगे। आर्टिकल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं एंड टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग सेंटेंस, ये कहाँ यूज होते हैं और इनका मेन डिफरेंस क्या है, इसके अबाउट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर के स्टार्टिंग में उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, जिसमें उन्होंने एक स्टोरी टाइप पैराग्राफ दिया है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अजलान, आयशा, मेराब एंड अली वर ग्रुप मेंबर्स। They were asked to make a project on the personality traits of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Each was given a particular personality trait to write about. Azlan was to write on patience. Everyone except Azlan completed their work on time. The group members asked him for his part of the project as time was running out. Instead of explaining his delay in writing, Azlan misbehaved with the other group members. He was trying to hide his laziness. Even though their project was now going to be late, Aisha was patient with Azlan's behavior and shared a book with him to help him finish his part. तो इस छोटे से पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है कि अजलान, आयशा, मेहराब एंड अली ये ग्रुप मेंबर्स थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना था जिस पे हर किसी को उसका अलग अलग पार्ट दिया गया कि उसने इस हिस्से पे काम करना है, उसका ये टॉपिक है। अजलान को पेशेंस पे टॉपिक मिला, स्वप्न ने काम खत्म कर लिया सिवाय अजलान के, लेकिन जब उससे ग्रुप मेंबर्स ने पूछा कि उसने अपना अभी तक काम खत्म क्यों नहीं किया, तो वो अपनी लेजीनेस को छुपाते हुए अपने ग्रुप मेंबर्स से लड़ाई झगड़े करने लगा, उनके साथ मिसबिहेव करने लगा, जिस पर आयशा ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उसे बुक शेयर की और कहा कि अपने हिस्से का काम खत्म कर लो। तो इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि अगर हम टीम वर्क करते हैं और टाइम पे काम खत्म नहीं कर पाते, तो एक तो हमें अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। पहले तो हमें ये चाहिए कि हम अपना काम टाइम पे कंप्लीट करें, लेकिन अगर किसी वजह से डिले हो जाता है तो हमें एक्सक्यूज करना चाहिए और अपने काम को जल्द अज जल्द कम्प्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी दूसरी जो सिचुएशन है वो हमें ये दिखाई गई है कि अगर कोई बंदा अपना काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाता तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए उसका काम कंप्लीट करने में, जैसा कि आयशा ने किया। आयशा ने असलान को बुक शेयर की और फिर उसने अपना काम कंप्लीट किया। अब हम पेशेंस सब्र की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। Everyone in the world needs some inspiration. दुनिया में हर किसी को किसी न किसी मसाली शख्सियत की जरूरत होती है। We make someone our role model. Role model means मसाली शख्सियत और ideal to be followed. हम किसी न किसी को अपनी मसाली शख्सियत यानी मसाल बनाते हैं जिसकी हम पैरवी करते हैं। In the same way, I have my own role model too, who is none other than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. मेरा भी एक नमूना तकलीद है जो कोई और नहीं हजरत मोहम्मद हैं। He is the only personality who is complete in all aspect. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद शख्सियत हैं जो हर पहलू से मुकम्मल हैं। हजरत मोहम्मद वास्कार सादिक एंड अलामीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर। हजरत मोहम्मद अपनी ईमानदारी की वजह से सादिक और अमीन कहलाते थे। He always spoke truth without considering the consequences. वो नतीजे की परवाह किए बगैर हमेशा सच बोलते थे। When he started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him. जब आपने तबलीग का आगाज किया कि अल्लाह एक है, हर दूसरा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गया। He did not get scared of his enemies and always spoke what Allah want him to speak. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने दुश्मनों से नहीं डरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वही कहा जो अल्लाह ताला उनसे कहलवाना चाहते थे।
So Allah helped him, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam set an example of patience. Bas Allah ne unki madad ki aur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne sabr ki misal qaim ki. He always prayed to Allah to guide people toward the right path and forgive them. Aap sallallahu alaihi wasallam ne hamesha Allah se dua ki ki wo logon ko seedhe raste ki taraf rehnumai kare aur inhein maaf farma de. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam. Ek dafa aap sallallahu alaihi wasallam ne Allah ka paigham Islam phailane ke liye Taif ka safar kiya. He was accompanied by Hazrat Zaid bin Harisa. Aap sallallahu alaihi wasallam ke sath Hazrat Zaid bin Harisa bhi the. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stayed in Taif for 10 days. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड ट्राइबल चीफ्स टू एम्बैरस इस्लाम, बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम. इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल के सरदारों को इस्लाम कबूल करने की दावत देते रहे, लेकिन उन्होंने इस पैगाम को ना माना और आपको मजाक उड़ाया. वन डे आई मॉक पैटेड हिम विद पेबल्स इंजरिंग हिम डिस्पाइट हिज इंजरीज ही प्रेड फॉर देम. एक दिन एक हजूम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंकरियों का पथराव किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करते रहे. जख्मों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ करते रहे. Then an angel appeared before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and sought his permission to destroy the city of Taif by crushing the mountains surrounding the city. तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक फरिश्ता हाजिर हुआ और इजाजत तलब की कि शहर के इर्द गिर्द पहाड़ों से ताइफ के शहर को कुचल कर तबाह कर दिया जाए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु कम्स एज अ ब्लेसिंग फॉर द होल यूनिवर्स प्रेड टू अल्लाह एंड सेड, ओ अल्लाह गाइड द पीपल ऑफ ताइफ टू द राइट पाथ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, दुआ की के अल्लाह आप लोगों को सीधा रास्ता यानी सिरात अल मुस्तकीम दिखाएं. थो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, आई होप दैट देयर चिल्ड्रन विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द डिवाइन फेथ. मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके बच्चे यकीनन अल्लाह पर ईमान लाएंगे और इस्लाम कबूल करेंगे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस. उन्होंने हमेशा प्यार और अमन का पैगाम फैलाया. नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशंस वर, He neither lost his patience nor scolded his enemies. हालात जैसे भी रहे, उन्होंने कभी सबर का दामन हाथ से ना छोड़ा और ना ही अपने दुश्मनों को बुरा भला कहा. The teaching and life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam are examples of patience for entire mankind. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी और तालीमात तमाम इंसानों के लिए सबर की मिसालें हैं. तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.